नमस्कार साथियों, मैं नवरतन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास को जानने से पहले इतिहास को जगाना पड़ता है, यानी जागृत करना पड़ता है। जो इतिहास हमने पढ़ा है वही सत्य नहीं है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके एक नया इतिहास हमारे सामने आता है। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण इतिहास को दबाया भी गया है। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कोशिश की है कि सच को सामने लाया जाए, उसने अपना एक नया इतिहास भी रचा था, किंतु उसकी रचनाएं वहीं की वहीं सिमट कर रह गई। आज हम नायक समाज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं जो भारत सोने की चिड़िया थी, वो नरसा नायक के समकालीन थी, क्योंकि नरसा नायक के साम्राज्य में इतनी धन संपदा थी कि उसे तिजोरी में न्याय रखकर जमीन में गड्ढे खोद कर रखा जाता था। और दूसरी है जो विक्टोरिया महारानी थी इंग्लैंड की, उसके मुकुट में जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है वो विजयनगर साम्राज्य के नरसा नायक के खजाने से अंग्रेज लूट कर ले गए थे। और अरब से जो आक्रमणकारी आए थे भारत के अंदर प्रवेश करने के लिए, उससे सिंधु घाटी में लगभग 636 वर्ष तक नायक कबीले की सैन्य टुकड़ियों ने भारत में प्रवेश करने नहीं दिया था। इस पर मैं एक विस्तारित वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में नायक समाज से जुड़ी हुई इतिहास की कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नायक समाज के पास शेयर करें ताकि नायक समाज के लोग जुड़ें। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, मिलेंगे एक और वीडियो में।